इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना टेलीग्राम आईडी, मेरा ग्रुप की आईडी टेलीग्राम की, और कमेंट सेक्शन तो आपके पास सही। सो माय व्हाट्सएप, माय टेलीग्राम एंड कमेंट सेक्शन। कोई भी डाउट है बिंदास पूछो, बट कल आपका प्रीलिम्स का एग्जाम अच्छा जाना चाहिए, ठीक है? कोई भी डाउट है बैंकिंग से रिलेटेड, प्रीलिम्स कल के एग्जाम से रिलेटेड, बट अभी फालतू के डाउट्स मत पूछना यार। फर्स्ट आई गिव इम्पोर्टेंस टू दोज कैंडिडेट जिनका कल एग्जाम है, कल की शिफ्ट्स में एग्जाम है, तो पहले वो डाउट्स मुझसे पूछो यार, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आज मैं थोड़ा लेट सोऊंगा, पहले आपके आंसर्स का रिप्लाई देके फिर मैं आराम से सोऊंगा। बाकी लेट्स कंटिन्यू विद दिस वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज़ वैभव सैनी, आई एम प्रोबेशनरी ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कल से आप में से काफ़ी लोगों का SBI PO का प्रीलिम्स है, काफ़ी कैंडिडेट्स का फर्स्ट शिफ्ट में भी एग्ज़ाम होगा, तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरा भी बदकिस्मती से मोस्टली फर्स्ट शिफ्ट में मेरी हमेशा एग्ज़ाम पड़ता था, और मान के चलो यार पहली शिफ्ट हमेशा ईजी आती है, सो डोंट वरी। और जिनके पहले शिफ्ट में है बिंदास होके जाओ, शिफ्ट आसान आएगी, सो जस्ट रिलैक्स। और मैं कुछ आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी लास्ट मिनट टिप्स दूंगा, लाइक आपको वो इजीली 5-6 मार्क्स इंक्रीज कराने में हेल्प कर देगी। सबसे पहला, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा, मैक्स 3-4 मिनट्स में वीडियो वाइंड अप कर दूंगा, तो जल्दी जल्दी बताता हूँ। फर्स्टली पहला पॉइंट है, सेंटर पहले पहुँचना है, मतलब आपका जो भी शिफ्ट का टाइम है पहुँच, आराम से आपको आधा एक घंटे का टाइम लेके निकलना है, और वहाँ पे जाके खड़े हो जाओ। किसी भी कंडीशन में लेट नहीं होना, लेट होगे तो आप परेशान हो जाओगे, टेंशन में आ जाओगे, और दिमाग ख़राब आपका ऑलरेडी हो जाना है अगर आप लेट होते हो बिकॉज ऑफ ट्रैफिक या कुछ भी रीज़न है। तो सेंटर आपको टाइम से पहले पहुंचना है, ठीक है? सेकंड थिंग, आपके जो भी आईडी कार्ड्स हैं, गवर्नमेंट आईडी है, एडमिट कार्ड है, एटलीस्ट एक या दो फोटोग्राफ्स भी अपने साथ लेके जाना, आपके पेन वगैरह हो गया, इन सभी को अभी से अरेंज करके रख लो, ताकि एट द लास्ट मोमेंट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए सेंटर पहुँचने पर, ठीक है? उसके बाद थर्ड पॉइंट इज, सेंटर पहुंचने के बाद किसी से फालतू बात नहीं करनी। आप अगर वहां जाके किसी से डिस्कशन करोगे, पेपर इजी आएगा, हार्ड आएगा, क्या अगली पिछली शिफ्ट में ऐसा था, इसमें क्या आएगा, रॉन्ग नंबर आएगा, मिसिंग आएगा, क्या आएगा, किसी को कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, जो पेपर सेट कर रहा है उसे कुछ नहीं पता, ठीक है? तो किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपका, क्योंकि आप 10 में से 9 लोग आपको वहाँ ऐसे मिलेंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो किसी से बात नहीं करनी, अपने में कॉन्फिडेंस आपको रखना है कि मैं जो पढ़ के आया हूँ, पढ़ के आई हूँ, आई विल डू माई बेस्ट, आपको ये वहाँ पर करना है। तो किसी से बात नहीं करनी सेंटर पहुंचने पर, ना अंदर जब आप एंट्री ले लोगे, अपना सिस्टम लो, ऑक्यूपाई करो अपनी सीट, और लेफ्ट राइट में किसी से बात नहीं करनी, माइंड अपना बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है? इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये है, आपको पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। सपोज करो आपका रीजनिंग वाला सेक्शन है, और 99% आपका नोटिस करना, पहला क्वेश्चन आपका पजल का होगा, पजल या सिटिंग हमेशा पहले नंबर पर डली हुई आपको मिलेगी, वो बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना। आपको स्किप करने की आदत आप में होनी चाहिए कि स्किप कैसे करना है किसी क्वेश्चन को। तो देखो दो ही गेम है यार प्रीलिम्स के, स्किप करते रहो और जो पहले आता जा रहा है उसको करते रहो, लास्ट का जो टाइम बचेगा उसमें वो करना है जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है। फर्स्ट 10 मिनट्स में रीजनिंग में आपको मिसलेनियस करनी है, मिसलेनियस में जो भी आपका आता है, सिलॉगिज्म, इनइक्वालिटीज, ब्लड डिलेशन, चाइनीज कोडिंग, ये सब स्टार्टिंग के 10 मिनट में हो जाना चाहिए। आखिरी के 10 मिनट आपको देने हैं पजल और सेटिंग को। मान के चलो 5 पजल और सेटिंग आपकी आती हैं, तो आपका टारगेट रहना चाहिए 5 में से कम 4 तो मुझे करनी है किसी भी कंडीशन में, ठीक है? और वो आराम से 2 मिनट में आपकी बनने वाली पजल्स होती हैं, ठीक है? उन 5 में से एक पजल ऐसी ढूंढ लेना जो आपको देखने में डिफिकल्ट लग रही हो, क्योंकि डूइंग ऑल 5 पजल्स इन PO प्रीलिम्स इज अ डिफिकल्ट टास्क, और बिगनर्स के लिए तो खास तौर से। तो 5 मत करना, 4 करके आना, 30 मार्क्स अटेम्प्ट करके आना, रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर आपका रहेगा। इसके बाद आ जाते हैं क्वांट्स पे। क्वांट्स में आपको सेम स्ट्रेटेजी अपनानी है। स्टार्टिंग में आपको DI भी नहीं करनी, अरिथमेटिक तो करनी ही नहीं है किसी कंडीशन में स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग आपको करनी है सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज से। स्टार्टिंग के 10 मिनट में ये खत्म करो, 10 भी नहीं, आपको 7 या 8 मिनट में खत्म करना है सब कुछ। उसके बाद आपको 2 DI करनी है। DI हमेशा मिड में करो, बीच में करो। DI खत्म करने के बाद आपको अरिथमेटिक उठानी है, जब आपके पास 3 या 4 मिनट बच रहे होंगे, बस 3 या 4 मिनट में आराम से 3 या 4 अरिथमेटिक के क्वेश्चन करो, आपका अटेम्प्ट पहुंच पाएगा क्वांट्स में करीब करीब 24, 25 या 26 मार्क्स। डिसेंट अटेम्प्ट है PO के अकॉर्डिंग, PO प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग क्वांट्स का अटेम्प्ट अगर आपका 25, 26 है तो डिसेंट अटेम्प्ट है।
इसके बाद इंग्लिश की स्ट्रेटेजी आपकी कुछ इस तरीके से है, आरसी आपको स्टार्टिंग में नहीं करना, आरसी करना है आपको एंड में। सबसे पहले आप स्टार्टिंग से फिलर्स और आपके पैरा जंबल्स या आपके और एरर करेक्शन, इन सब चीज़ों से आपको स्टार्ट करना है, आरसी लास्ट में करना है और आरसी छोड़ के नहीं आना। यार मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ऐसे भी हैं, हिंदी मीडियम के हैं, वो हिंदी बोर्ड यूपी बोर्ड के, वो पता है आरसी छोड़ के आ जाते हैं। यार थोड़ा रिस्क लो, रिस्क लेना पड़ता है इंग्लिश में। ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर 27-28 कॉन्फिडेंटली करके आता तो मेरे उतने मार्क्स आते थे, ऐसा नहीं है। मेरे मार्क्स वही आते थे 24, 25, 26, 30 में से। तो रिस्क देखो लेना पड़ेगा। अगर ऐसा है कि 5 में से 2 ऑप्शन में आपको डाउट है तो ज़रूर टिक करके आओ यार, ज़रूर टिक करके आना है, फिर तो आर पार वाला गेम हो जाता है। या तो आप इतने कॉन्फिडेंट रहें कि मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी बिना इंग्लिश में तुक्के लगाएं या गेस करें, तो कर दो। बट अगर आपको लग रहा है ना कि मैं डूब सकता हूँ, कट ऑफ क्लियर हो ना हो, तो फिर तो देखो रिस्क लेना है। और रीजनिंग और क्वांट्स में बिल्कुल भी गैस वर्क नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि क्वांट्स में आपका आंसर 105 आ रहा है, ऑप्शन में 104 मिल रहा है, आपको लगे हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, यही टिक कर देता हूँ, ये मत करना। वो आपने गलती करी होगी, ऐसा आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि बैंकिंग के ऑप्शंस आपको गलत मिले, ठीक है, ऐसा नहीं करना। बाकी तो यही है यार, फालतू का किसी से डिस्कशन नहीं करना, अपना सामान पूरा लेके जाना और मास्क वास्क पहन के जाना यार, कोई वहाँ पे वो फालतू में कुछ नौटंकी ना करें सेंटर वाले, और अपना बस बेस्ट देना जिस तरीके से मैंने बताया, इस तरीके से अटेम्प्ट करो। और अब जो बच्चे अभी भी पढ़ने में लगे हुए हैं, अब किताबें बंद करके रखो और अपना रेस्ट करो, सो जाओ। जिनका कल एग्ज़ाम है मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताना यार कितने अटेम्प्ट करे हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़े हुए हैं तो मुझे ज़रूर बताना कितने अटेम्प्ट्स किए हैं, देन आई टेल यू लाइक आपका पेपर कैसा हुआ है, क्योंकि मेरा लास्ट ईयर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था SBI PO, तो आई एम वेरी गुड इन दिस, लाइक हाउ टू डू एंड वॉट टू डू इन PO। सो बाकी एक चीज़ और यार, कि अभी जिनका कल एग्ज़ाम है, अगर उनको कोई भी डाउट है मुझे व्हाट्सएप करें, टेलीग्राम करें, कमेंट करें, कुछ भी करें, इट्स माई ड्यूटी, मैं उनका रिप्लाई सबसे पहले दूंगा। कोई भी डाउट है यार अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड, लाइक स्ट्रेटेजी कैसे करना है, क्या करना है, लाइक किस तरह अटेम्प्ट करना है, कुछ भी पर्सनल डाउट, कैसा भी डाउट, मुझे कॉमेंट में डालो, व्हाट्सएप करो, टेलीग्राम करो। एक चीज़ और, मैं इस वीडियो में आज अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर देता हूँ, टेलीग्राम लिंक मेरा है। बाकी कोई भी डाउट है जस्ट व्हाट्सएप में, जस्ट मैसेज में, आई रिप्लाई यू विद इन एन आवर। मैं लेट सोऊंगा आज आराम से, चिंता मत करो, बस कोई भी डाउट है मुझे बताओ, आई आंसर यू देन एंड देयर ओनली। बाकी दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड रिगार्डिंग दिस लास्ट मिनट टिप्स। सो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, और सो जाओ यार, आराम करो, रेस्ट करो, बाय बाय, टेक केयर।